हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एपी के एन टर्म्स का सम फाइंड करने से रिलेटेड एक फॉर्मूले को प्रूव करने वाले हैं। तो इसलिए मैंने हेडिंग दे दिया है सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी, है ना, यानी कि एपी के एन टर्म्स का सम फाइंड करना। आपसे कहा जाए कि एपी के शुरू के 10 टर्म्स का सम फाइंड करिए, तो उससे रिलेटेड हम लोग आज का फॉर्मूला देखने वाले हैं। चलिए तो थ्योरम देखिए क्या कह रहा है कि द सम एस एन ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि ये एस एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एपी के n टर्म्स के सम को, विथ फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d। अच्छा, a क्या है, फर्स्ट टर्म है, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा, n बाई टू इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर एक और फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एस एन का, यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स का, एन बाई टू इंटू में ए प्लस एल। एल क्या है, यहाँ पे लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म या फिर एन टर्म जिसे हम लोग कहते थे, इसको फाइंड करने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको ए एन से भी डिनोट करते हैं, एल से भी डिनोट करते हैं, या फिर टी एन से भी तो डिनोट करते हैं ना जी, यानी कि यहाँ पे एल की जगह आप ए एन भी लिख सकते हैं, टी एन भी लिख सकते हैं, समझ गए ना। चलिए तो इसको हम लोग प्रूफ करके देखेंगे। तो हम लोग यहाँ इसका प्रूफ चलिए देखते हैं। हम लोग क्या ले लेते हैं कि लेट ए वन ए टू ए थ्री कहाँ तक, ए एन तक, बी एन ए पी विथ विथ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। Then, अगर हम लोग इस AP के अगर हम लोग बात करें फर्स्ट टर्म की, तो वो आपका A हो जाएगा, सेकेंड टर्म की तो वो A प्लस डी ना होगा, थर्ड टर्म की बात करेंगे तो A प्लस टू डी होगा, ऐसे ही आगे बढ़ के अगर हम लोग nth टर्म की बात कर दें तो वो क्या हो जाएगा, A प्लस एन माइनस वन इंटू में D, यही ना होगा जी। चलिए अब देखिए ना, हम लोग SN क्या है, तो SN रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी के सम ऑफ एन टर्म्स, यानी इन सभी के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है SN, यानी कि SN का मतलब हुआ ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए कहां तक, एन टर्म्स तक के सम का, सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चलिए तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग इन सब के यहाँ फॉर्मूला लगा दें, यानी कि एस एन इक्वल टू में हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ए वन फर्स्ट टर्म को ए, सेकेंड टर्म को ए प्लस डी, थर्ड टर्म को ए प्लस का टू डी, ऐसे ही करके हम लोग यहां पर इसके एक पहले वाले टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हो जाएगा ए प्लस क्या करेंगे, एन माइनस टू इंटू में डी, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि इसके पहले वाले टर्म यानी ए एन माइनस वन को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, ए एन को कैसे, ए प्लस एन माइनस इंटू में डी। तो अगर हम लोग इसको रिवॉल्व कर दें, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं, और अब हम लोग इसको चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, रिवॉल्व करके लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस ए प्लस, इसको एक और ब्रैकेट में दे देंगे ताकि समझ में आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं इसको समझने के लिए, ठीक है, यहाँ पे भी a प्लस एन माइनस टू इंटू में डी, ये कहाँ तक चला जाएगा, तो ये जाएगा लास्ट में a प्लस डी और यहाँ प्लस फिर a। हमने क्या किया, इसको पलट के लिख दिया है, ठीक है, इसे और कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इनको अगर हम लोग इन दोनों को ऐड करें, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और इनके सामने सामने टर्म को लेकर, तो यहाँ टू एस एन हो जाएगा। अच्छा, इसको और इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, यही आएगा, फिर प्लस इसको और इसको ऐड करेंगे तो यहाँ देखो 2a हो जाएगा, और d इसमें यहाँ कॉमन करेंगे तो n माइनस वन और प्लस का वन, तो यहाँ भी n माइनस वन आ जाएगा, n माइनस टू हो जाएगा, देखो यहाँ पर इसमें और इसमें से ऐड करेंगे तो d कॉमन कर लेंगे तो यहाँ वन बचेगा, तो n माइनस टू और फिर प्लस वन, तो n माइनस वन आ जाएगा कि नहीं, चलिए तो यानी यहाँ भी वही आ जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ऐसे ही आगे रिपीट होते जाएगा, ये कितना टाइम्स आएगा, n टाइम्स ऐसे चलेगा, लास्ट में भी देखो इसको और इसको ऐड करोगे तो वही आ जाएगा
2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फिर है ना 2a प्लस इसको और इसको ऐड करेंगे तो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो ऐसे ये कितने टाइम्स आ रहा है, हमें n टाइम्स मिलेगा, है ना। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी जो है रिपीट कर रहा है, रिपीट n टाइम्स। तो जब ये n टाइम्स रिपीट कर रहा है तो इनका सम क्या हो जाएगा, n इंटू में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, n टाइम्स है इसलिए ये 2 को डिवाइड में जाएंगे तो यहाँ सम ऑफ n टर्म आ जाएगा n बाई 2 इंटू में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। अब देखिए ये हमने प्रूफ कर दिया, अब दूसरा और वाला भी था उसको भी प्रूफ करके देखते हैं। लास्ट टर्म जो था ये l, लास्ट टर्म इसके लिए फॉर्मूला देखे थे a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ये हम लोग पढ़े हुए हैं एपी में ही चैप्टर के स्टार्टिंग में। तो यहाँ एस एन इक्वल टू हो जाएगा एन बाई टू, हम टू ए को लिख देते हैं ए प्लस ए और फिर प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो यहाँ से यहाँ अगर देखा जाए ये वाला हिस्सा तो ये फॉर्मूला यही ना दिख रहा है जी, यानी एस एन इक्वल टू में हो जाएगा एन बाई टू एक ए को छोड़कर और ये बाकी सब जो होगा एल हो जाएगा। या फिर आप इसे भी लिख सकते हैं एस एन इक्वल टू में एन बाई टू इंटू में ए प्लस का ए एन, यानी ए एन को भी एन टर्म लास्ट टर्म ही ना कहते हैं जी। चलिए समझ गए, तो हमने ये प्रूव कर दिया। तो हम लोग यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्मूला हमें मिल रहा है इसमें a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, यहाँ लिख सकते हैं वेयर, याद रखने के लिए कि a क्या है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, अच्छा, और फिर n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, अच्छा, और SN क्या है, sum of n terms है, L क्या है, लास्ट टर्म है। तो ये सब चीजें आप याद रखेंगे और ये फॉर्मूला याद रखेंगे और साथ ही साथ हम लोग पहले जो भी फॉर्मूला पढ़े हुए हैं उन सबको भी याद रखेंगे, तभी इस आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपसे बनेंगे। तो आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रवि कांत सर, और तीसरा चैनल है रवि कांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।